नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आर्मी GD के सेट नंबर 1 का मैथ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैथ का क्रम क्वेश्चन नंबर 31 से दिया गया है। 31वां क्वेश्चन है 0.02 गुणा 30 लिखा हुआ है। सीधे तरीके से गुणा करते हैं, 0 से 2 से करेंगे 0, 0 से 0 से करेंगे 0, 0 से 0 करेंगे तो 0, 3 से 2 से करेंगे तो 6, 3 से 0 से करेंगे 0, 3 से 0 से करेंगे 0। दोस्तों जोड़ देते हैं 0, 6, 0, 0, क्योंकि दो अंक बाद दशमलव है, हम भी लगा देते हैं तो 0.060 इसका आंसर होगा। अतः ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, 15 मिनट एक घंटे का कितना प्रतिशत है। 15 मिनट एक घंटे का लगाएंगे, तुलना कर देंगे कितना प्रतिशत है। मैंने मान लिया x प्रतिशत है। दोस्तों इधर घंटा इधर मिनट, सेमी नोट कर देते हैं। 15 मिनट एक घंटे में 60 मिनट इंटू एक्स बटे 100, प्रतिशत हटाने का 100 है। 15 चौके 60, 4 से 25 चौके 100, कैंची गुणा करके x की वैल्यू 25, एकदम ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, 999 का उसके दिया है। उसके से अर्थ है दोस्तों दी गई संख्या को दो बार लिखकर गुणा करना। 999 का उसकेयर तो 999 गुणा 999। दोस्तों आइए गुणा करते हैं, 981 हासिल का 8, 981 और 8 89 हासिल का 8, 981 और 8 89। दोस्तों 9 से पुनः गुणा करना है, जैसे का तैसा संख्या है पुनः से फिर लग लेते हैं। 8991, 8991 जोड़ देते हैं दोस्तों। 1 9 और 1 10, 9 9 18 19 हासिल का 1 तो 20, 9 9 18 और 8 26, 26 और 2 हासिल वाला तो 28 हासिल का 2, 9 8 17, 17 और 2 हासिल का 19 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 9 8 0 0 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से भाज्य है। दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, 4 से भाज्यता की बोलता है। चेक कर लेते हैं, 4 से अगर भाज्य तो आंसर 1000 बिल्कुल सही होगा। 4 दुनी 8, बचा 2, 4 पंजे 20, 250 बार पूर्णतः कट रही है, अतः 1000 आंसर इसका बिल्कुल सही होगा, जो 4 अंक की सबसे छोटी और 4 से भाज्य भी संख्या है। 18, 45, 72 का HCF अर्थात महत्तम समावर्तक 18, 45 और 72 का HCF ज्ञात करना है, जिसे हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं से काटना प्रारंभ करते हैं और कॉमन संख्याएं होना चाहिए। 3 तिचंके 18, 3 एकम 3, 5 15, 3 नुनी 6, बचा 1 तिचौक 12। 3 से पुनः काट देते हैं, 3 दूनी 6, 5 15 और 3 24। दोस्तों किसी कॉमन संख्या से अब नहीं कट रही है, तो HCF हमारा 3 का 9 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, आधे घंटे में थीटा का कोण बनता है। आधा घंटा टोटल समय 24 है और टोटल कोण 360 है, क्योंकि थीटा में बदलना है तो 0.5 बटे 24 गुणा 360। पॉइंट हटाते हैं, एक नीचे जीरो बढ़ा लेते हैं, जीरो से जीरो कट गया, 6 से 6 चौके 24, 6 9 36, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 3 15 बटे 2, यानी 7.5 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चतुर्भुज के चारों कोणों का एंगल कितना होगा। दोस्तों 360 होता है, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, फिर भी हम इसे 2n-4 इंटू 90 से सॉल्व कर सकते हैं, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 2×4-4 इंटू 90, 4 दुनिया 8, 8 में से 4 गया तो 4 इंटू 90, 9 चौके 36, 360 इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 4500 का 30%, 4500 का
30% प्लस 7 हटाएगा, 00 बढ़ा लेगा, माइनस 280 का 25% प्लस 7 हटाएगा, 00 बढ़ा लेगा, 25 चौके 100, 4 7 28, 00 से 00 45 दिया 135 यानी 1350, माइनस 70, इस प्रकार से घटाकर 1280 का बिल्कुल सही जवाब होगा, जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, 3000 रुपये राशि को साधारण ब्याज की दर पर 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन जो 3000 रुपये दिया है गुणा दर जो 5% दी है गुणा समय जो 2 दिया है बटा 100, 00 से 00, 5 10 और 10 × 30 300 इसका साधारण ब्याज रहा होगा। दोस्तों आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, समय और काम से पूछा गया प्रश्न है, 15 टोकरी जो काम है 45 दिन में बनाते हैं, 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे। दोस्तों काम हमेशा नीचे रखते हैं, तो 15 काम है जो 45 दिन में हो जाता है, 110 काम कितने दिन में समाप्त होगा, 15 × 45 कैंची गुणा करके 330 दिन में यह पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, 1200 का 12%, तो 1200 का 12% हटाएंगे, 00 00 से 00 कट जाएगा, 12 × 12 = 144 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 42, स्कूल की परेड में लड़के लड़कियों की संख्या 9:7 है, लड़के और लड़कियां बॉयज और गर्ल्स 9:7 हैं, अनुपात में संख्याएं कंप्लीट नहीं होती, जो एक्स एक्स मान लेते हैं इनकी कुल संख्या है, लड़के 9x हैं, लड़कियां 7x हैं, 9 × 7 = 16x का मान संख्या में 256 के बराबर है, 16 × 16 = 256, अतः x बराबर 16 होगा, जहां गर्ल्स दिया है 7x, तो 7 × 16 = 16 × 7 = 112 इसका आंसर रहा होगा, तो लड़कियों की संख्या 112 होगी। क्वेश्चन नंबर 43, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राम के खंभे को 12 सेकंड में पार कर जाती है, जहां दूरी दे रहा है 150 मीटर, समय दे रहा है 12 सेकंड, चाल पूछा गया है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो मीटर पर सेकंड है हमें किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करना है, तो 18/5 का गुणा कर देते हैं, 6 × 12 36/18, 5 × 10 से 0 काट देते हैं, 15 × 45 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही होगी, जो बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर है आपका 44, 700 रुपये की किसी वस्तु पर क्रमबद्ध छूट 20% 10% है, तो 700 रुपये उसका MRP है यानी मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है, उस पर 20% 10% की दो क्रमिक छूटें हैं, 20% छूट देगा तो 80 की देगा, प्रतिशत हटा के 100 लिख लेते हैं, 10% छोड़ेगा तो 90 की देगा, प्रतिशत हटा के 00 लिख लेते हैं, 00 से 00 काट देते हैं, 00 से 00 ये काट देते हैं, 7 8 56 × 9, 9 6 54 हासिल का 5, 9 5 45 और 5 504 रुपये का वो बेचा गया होगा। क्वेश्चन नंबर अंतिम आपका 45वां क्वेश्चन, जो किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है, 20,000 उसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि है, वृद्धि हमेशा 100 से प्लस रखते हैं, 20% बढ़ेगी तो 120/100 प्रतिशत का है, 30% वृद्धि तो 130/100, 40 से मैंने 40 काट दिया, 12 × 24 240 × 130, 0 0 0 2 0 रख लेते हैं, 13 से गुणा करते हैं, 13 × 54 हासिल का 5, 13 × 26 और 5 = 31, 13,200 इसका आंसर।